बहुत। मैडम जी, आप महाबलेश्वर पहली बार आए हो जी? हाँ, आपको कैसे पता? मैडम जी, पहली बार कहीं जाने की ना खुशी एक अलग सी होती है, आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है जी। सर जी, आपका भी पहली बार है जी? नहीं सिंह साहब, मैं तो पहले भी आ चुका हूँ। सर जी, चमक तो आपकी आंखों में भी नजर आ रही है जी। वैसे हमें यहाँ क्या क्या घूमना चाहिए? लो जी, यहाँ तो सब कुछ ही घूमने वाला है जी। यहाँ की वादियाँ, पहाड़ देखो जी। बाकी जी, आप महाबलेश्वर ना बिल्कुल सही मौके पे आए हो जी। बिल्कुल बेस्ट मौसम है जी ये। हाँ? इस बारिश के मौसम में ना आपके जैसे बड़े सारे कपल आते हैं जी हनीमून मनाने। पाची, हमारे जैसे मतलब? और आपको क्यों लगा कि हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं? ओ जी, इसमें लगने वाली क्या बात है जी, मेरे को इतने साल हो गए जी गड्डी चलाते, हमें सब पता होता है जी कौन हनीमून मनाने आता है जी। वो है मौसम में ना जी, इतने सारे हनीमून कपल ही आते हैं जी। आते होंगे, लेकिन हम यहाँ ऑफिस के काम से आए हैं। हेलो जी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, हैं? वो भी मरिया हुआ। मतलब आप दोनों ऑफिस में इकट्ठे काम करते हो, कपल नहीं हो, हैं? कमाल है जी, आजकल जमाना बड़ा एडवांस हो गया जी, पता ही नहीं लगता जी कौन क्या है। आप गलत समझ रहे हैं सरदार जी, हम दोनों कपल माने हस्बैंड वाइफ ही हैं। लेकिन यहाँ हनीमून मनाने नहीं आए हैं, इनके ऑफिस के काम से आए हैं, समझ लो। देखो जी, मैंने तो इतना पता जी, जब आप नदी में नहाने जाओ या तैरने, आदमी ने गीला तो होना ही होना है जी। वैसे भी जी, आप महाबलेश्वर किसी भी वजह से आओ, यहाँ की ब्यूटी ना दिल में प्यार की सीटियाँ बजा ही देती है जी, है? खूबसूरत वादियाँ, ओए होए मौसम यारे। भाव, आप ना ये ड्राइवरी छोड़कर ना शायरी लिखनी शुरू कर दो, बहुत कमाल की बातें करते हो। खूबसूरतियाँ, वादियाँ, नजारे, लेकिन आपकी ये सारी शायरी ना यहाँ वेस्ट है, क्योंकि यहाँ प्यार की सिटी जैसा कुछ नहीं है। सही, इनको भी बता दो कि हमारी शादी एक डील है। अब इसमें सरदार जी की क्या गलती है? हाँ, हम शादीशुदा हैं, तुम इतनी सुंदर हो, जवान हो, गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है कि नहीं? हाँ जी। और बाकी दीदी का क्या है? उन्हें भी गलतफहमी हुई थी, उन्होंने भी तो हमें हैप्पी हनीमून बोल दिया था। सही, बाकी नागपुर में, हम यहाँ महाबलेश्वर में हैं, वहाँ की बात वहीं रहने दो ना, भूल जाओ ना पाकी को। मैं तो भूल जाऊँ विराज सर, आप भूल पाएंगे? ओ माय गॉड, मैं यहाँ ट्रिप पर तुम्हारे साथ आया हूँ, पाकी के साथ नहीं, ओके? इससे क्या पता चलता है तुम्हें मेरी जिंदगी में तुम दोनों में से किसकी ज्यादा अहमियत है? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। आप मुझे अपनी वाइफ बनाकर ऑफिस ट्रिप पर लेकर आए ना, सबको दिखाने के लिए, है ना? ओ मेरी लेडी शर्लॉक होम्स, कभी तो अपने तुक्के फेंकना बंद करो, गो विद द फ्लो ना। मतलब मंजे काय नहीं, नजारे देखो। और बाकी सब कब तक पहुंच रहे? कौन बाकी सब, हम तो कौन बाकी सब, मतलब आपके बाकी के ऑफिसर्स और उनकी वाइफ, वो कब तक आ रहे हैं? अच्छा, वो आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, वो बाय ट्रेन आएंगे। हाँ, तुम नजारा एंजॉय करो ना, देखो वाओ व्हाट अ माउंटेन। थैंक यू जी।
ऑफिस ट्रिप बोल के पर्सनल ट्रिप पे ले आयो वोटी को। पर्सनल? मुंडिया जदों मामला दिल दा होवे ना ते घबराया नहीं करदे, असीं भी तेरे टाइम ते बड़े पापड़ वेले आ। लो जी। नहीं आप रख लीजिए। थैंक यू जी। हम पर्सनल ट्रिप पर आए? सही को कैसे पता चला? कहीं सही ने सरदार जी की बात तो नहीं सुन ली? और आपने रिसीट तो ली नहीं? रिसीट? हम ऑफिशियल ट्रिप पर आए हैं ना, तो जब तक आप ये बिल सबमिट नहीं करेंगे तो आपको रिफंड कैसे देंगे, पैसे वापस कैसे मिलेंगे? नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है रिसीट की, उसे मैंने पूरे ट्रिप के लिए बुक किया है। वैसे भी सही मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ये कैब वैब के रिसीट्स जमा करवाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा ना। खुद ऑफिसर होके फिजूल खर्चा करते हैं और मुझे बचत का पाठ पढ़ाते हैं। सही? हाँ। तुम वहां वेट करो, मैं अभी आता हूं। एक्सक्यूज मी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। विराट चव्हाण के नाम से रिजर्वेशन हो गया यहाँ पर? श्योर सर। कैन आई हैव योर आईडी प्लीज? श्योर। मैडम जूस। थैंक यू। ये नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट का गेट टुगेदर एरिया कहाँ पर है? नागपुर? मैडम जी ये महाबलेश्वर है। मुझे पता है ये महाबलेश्वर है, लेकिन यहाँ पे नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट का गेट टुगेदर एरिया कहाँ पर है? वो तो नागपुर में ही होगा ना मैडम जी। ओह, नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपके यहाँ रिसोर्ट में अपने ऑफिसर्स की बुकिंग करवाई है ना, तो आपने उनके मिलने के लिए कोई कॉमन एरिया असाइन किया होगा, वो कहाँ है? लेकिन मैडम जी यहाँ ऐसी कोई बुकिंग नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? Your honeymoon suite is ready. Thank you. क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। हाँ। नहीं कुछ कह रही थी ना अभी? नहीं मैं था ना। हाँ से कुछ कह रही थी। हाँ से कहा? हाँ। अच्छा थैंक यू। तुम चलो ना मैं बताता हूँ, उसने ऐसे हाँ से कुछ कहा नहीं था। हाँ हैप्पी स्टे कहा था उसने। क्या सही, तुम भी जहाँ देखो अपनी पंचायत बिठाने लग जाती हो। आपके बाकी के ऑफिसर्स वो कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है। क्या आपने तो कहा था हम आपके ऑफिशियल ट्रिप पर आ रहे हैं। तो आ रहे ना, आ गए, पर तुमने मेरी बात पूरी होने दी? As usual नहीं। सही, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोई नहीं, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ कोई नहीं है, वो बस यहाँ कोई नहीं। क्या यहाँ यहाँ लगा रखा है? सही, यहाँ इस रिजॉर्ट में कोई नहीं है। इस रिजॉर्ट में कोई नहीं मतलब? मतलब क्या बोलूँ क्या? क्या विराट सर, क्या मतलब? एक मिनट तो दो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो हुआ ही, हमारा प्रोग्राम तो फिक्स नहीं था ना। नहीं था ना। तो जब हमारा प्रोग्राम फिक्स हो गया तब उस रिजॉर्ट में बुकिंग सारी खत्म हो गई थी, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा, इसलिए हम यहाँ वो वहाँ। पता नहीं झूठ ले जाए काका। अच्छा तो बाकी ऑफिसर्स अलग और सीनियर ऑफिसर अलग। अब शायद मुझे समझ आ रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बज गए बाजे, सही को सब समझ आ गया है। अब इसके अंदर की जंगली शेरनी बाहर आ जाएगी और वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। आप ना हुई खड़ूस। क्या? इसलिए आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने आपका रूम अलग किया है और बाकियों का अलग, ताकि आप बाकी सबकी ट्रिप नहीं स्पॉइल कर दो ना। क्या I mean, ये इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। अगर ये बात सच निकली ना, एक एक को मैं सबक सिखाऊंगा। लेकिन अभी तुम रूम में जाओ, मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, एक जरूरी फोन कॉल करना है।